हमेशा व्लॉग जब भी मैं बनाती हूँ मैं क्यों हमेशा भंगियों की तरह खड़ी जाती हूँ आके हांसी सिटी पुलिस ने अनुसूचित जाति के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में शाहरुख खान की फिल्म में ओम शांति ओम में काम कर चुकी अभिनेत्री युविका चौधरी के खिलाफ जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। यह FIR हांसी के एडवोकेट रजत कलसन की शिकायत के आधार पर दर्ज करवाई गई है। एडवोकेट रजत हांसी के पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत को दी शिकायत में कहा कि युविका चौधरी ने एक सोशल वीडियो जारी किया था जिसमें उसने अनुसूचित जनजाति के लिए अपमानजनक शब्द कहे और गलत टिप्पणी भी की। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने वो वर्ड अनजाने में यूज़ किया और मुझे उसका मतलब बिल्कुल नहीं पता था, और मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि अनजाने में हुई गलती को प्लीज़ आप माफ़ करें। हाय एवरीवन, सो ये स्टोरी सिर्फ उन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए है जिन लोगों को उस वर्ड से हर्ट हुआ है, जो वर्ड कल यूवी ने ब्लॉग में यूज़ किया था। एंड मैं आपको सच बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली में हम में से किसी को उस वर्ड का मतलब नहीं पता था। जब आपके मैसेज आए तो हमने गूगल किया एंड देन वी सी एंड हमें बहुत बुरा लगा कि शिट हमने क्या कर दिया, और फिर साथ ही युवी ने वो एडिट कर दिया था वापस। सो गाइस प्लीज़ आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि कुछ भी जान मुझ की नहीं किया गया, और एक्चुअली में हमें मतलब पता भी नहीं था इसका, क्योंकि मैं भी वहाँ था, जुनेद भी था, एंड अगर युवी की गलती है तो उतनी गलती मेरी भी है क्योंकि हम दोनों को उसका मतलब नहीं पता। मामला ये है सर कि एक फिल्म अभिनेत्री है युविका चौधरी, और उस युविका चौधरी ने अपने ब्लॉग में एक वीडियो जारी किया था, और उस वीडियो में उक्त अभिनेत्री ने अनुसूचित जाति समाज के बारे में एक बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और वो वीडियो हमारे तक भी पहुँचा था, और जैसे ही हमने उस वीडियो को सुना तो लगा कि इसने तो अनुसूचित जाति समाज के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणी की हुई है। तो हम लोगों ने तुरंत SP साहब हांसी जो है निकिता गहलोत जी, उनको एक फॉर्मल कंप्लेंट दी 26 मई को, और उसके साथ उस वीडियो की CD भी हम लोगों ने दी। तो SP साहब ने उस वीडियो की साइबर सेल से जांच कराई, जांच कराने के बाद वो वीडियो दुरुस्त पाया गया, और आज उस मामले में थाना शहर हांसी में एक फॉर्मल FIR रजिस्टर की गई है युविका चौधरी के खिलाफ SC ST एक्ट के सेक्शंस में, जो नॉन कंपाउंडेबल और नॉन वेलेबल है। तो अभी जल्द ही इस मामले में एक नोटिस पुलिस द्वारा युविका चौधरी को भेजा जाएगा, और जब वो शामिल तफ्तीश होंगी तो हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो। आजकल एक चलन चल गया है कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों के खिलाफ टिप्पणी करें और एक TRP हासिल करें। हम लोग इस चलन को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये FIR दर्ज कराई है। हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।